नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती रोमिला देवी आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ाने आई हूँ। आज हम हिंदी रिमझिम भाग चार का पार्ट मुफ्ती मुफ्त का भाग तीन पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। पहला भाग और दूसरा भाग में आप लोगों ने पार्ट को पढ़ा, आनंद लिया होगा, भली भांति आपको पार्ट समझ भी आ गई होगी। तो हम आज इस भाग में अभ्यास कार्य में आप लोगों को कुछ समझाएंगे, देखेंगे और मैं आशा करूंगी कि आप लोगों को ये भली भांति समझ आएगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमारा पहला अभ्यास है, देखिए नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आप देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में देखिए कुछ शब्दों के नीचे क्या है बच्चों, रेखा खींची हुई है। इन शब्दों का हमें क्या लिखना है, विलोम लिखना है। विलोम के विलोम क्या होती है पता है ना, विलोम का अर्थ है उल्टे शब्द। तो हमें क्या लिखना है, इन रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो हम पढ़ते हैं, देखिए क नंबर, बच्चा बाहर खेल रहा है। हमारा वाक्य क्या है बच्चों, बच्चा बाहर खेल रहा है। यहाँ पे बाहर के नीचे क्या है, रेखा खींची हुई है। अब हमें बाहर जो शब्द है इसका विलोम बताना है। इसका क्या विलोम होगा बच्चों, बाहर का अंदर। बाहर का उल्टा क्या होता है, अंदर। दूसरा देखिए, मेरे कपड़े नए हैं। फिर से देखिए, मेरे कपड़े नए हैं। या नए के नीचे क्या है, रेखा खींची हुई है। अब हमें नए का विलोम बताना है। नए का विलोम क्या होता है बच्चों, पुराने। नए के उल्टे क्या हो जाएंगे, पुराने। तो नया का विलोम क्या हो गया, पुराने। देखिए अगला वाक्य, हमें अधिक पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है, हमें अधिक पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए अधिक के नीचे रेखा खींचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अधिक का विलोम बताना है। अधिक का विलोम क्या होगा बच्चों, कम। हमारे पास कोई सामान ज्यादा होती है, अधिक होती है, तो हम उसे अधिक बोलेंगे। अगर वो कम हो गई, घट गई, तो क्या हो जाएगी, वो कम। अधिक का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, कम। देखिएगा अगला, पत्थर कठोर होता है। ये वाक्य में क्या लिखा है, पत्थर कठोर होता है। कठोर के नीचे क्या है बच्चों, रेखा खींची हुई है। अब हमें कठोर का विलोम बताना है। कठोर का विलोम होगा मुलायम। पाठ में हम लोगों ने पढ़ी ना, नारियल की जो खुरचे में होती है वो क्या होती है, बहुत मुलायम स्वादिष्ट। सोचता है ना बिकू भाई, तो नारियल की जो ऊपर की होती है छिलके छीलने के बाद जो होती है वो होती है एकदम पत्थर की तरह सख्त। तब हम उसे दांव से कोई चीज से मार के ऐसे हम लोग तोड़ते, तो अंदर की भाग कैसी होती है, मुलायम, और ऊपरी कैसी होती है, कठोर। तो यहाँ पे क्या लिखा, पत्थर कठोर होता है। कठोर का विलोम हो गया मुलायम। देखिए अगला वाक्य, राजू ने काम करना आरंभ कर दिया। राजू ने काम करना आरंभ कर दिया। आरंभ के नीचे रेखा खींचा हुआ है, तो हमें क्या बताना है, आरंभ का विलोम। आरंभ का विलोम होगा अंत। क्या होगा बच्चों, आरंभ का विलोम अंत। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। यहाँ पे देखिए बच्चों, लिंग बदलो। हम लोगों ने हर पाठ में लिंग बदलो पढ़ा है। लिंग का मतलब पता है आप लोगों को ना, दो प्रकार की होती है लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। पुल्लिंग बोले से जिसमें हम क्या बोलते हैं, नर होती है जो, उनको हम पुल्लिंग बोलते हैं, और स्त्रीलिंग जो स्त्री के वर्ग का होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ देखिए, मैं जो है चित्रों के माध्यम से आप लोग को बताऊंगी और साथ ही साथ हम वो लिंग के बारे में देखेंगे भी। हमारा अभ्यास का नाम है लिंग बदलो। हमारा पहला शब्द है दादा। आप सबों के घर में दादाजी हैं। दादा, दादा का लिंग क्या हो जाएगा अगर हम उसे बदल ले जाएंगे, तो दादी। यहाँ पे देखिए दादा, दादा और ये कौन है, दादी। तो दादा का लिंग क्या, बदलने से क्या हो जाता है बच्चों, दादी। ये देखिए नौकर, जो
घर में काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, नौकर, जो पुरुष होते हैं। अगर वही जगह एक महिला होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, नौकरानी। ये देखिए घर में काम कर रही है। अगला देखिए गायिका, एक गायिका है, औरत है, गा रही है, और उसका लिंग है गायक, ये जो है पुरुष है। अब देखिए पंडित, जानते हो ना पूजा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पंडित। फादर भी बोलते हैं जो चर्च में पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, पंडित। पंडित का लिंग अगर हमें बदलना है तो क्या बोलेंगे, पंडिताइन। जो महिला होगी जो पूजा पाठ का कार्य करती होगी उसे हम पंडिताइन कहेंगे। पंडित का लिंग अगर हम बदलेंगे क्या हो गया बच्चों, पंडिताइन। यहाँ देखिए शेर, चित्र देखिए, ये है शेर का चित्र। अगर शेर का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा, शेरनी, शेरनी। ये देखिए यहाँ पे शेर का शेरनी। यहाँ पे देखिए बच्चों बुढ़िया, ये है स्त्रीलिंग। अब हमें इसको क्या करना है, पुल्लिंग बनाना है, तो क्या हो जाएगा, बुढ़िया का बूढ़ा। ये है जो बुजुर्ग हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बुढ़िया। और जो पुरुष बूढ़ा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बूढ़ा। ये है घोड़ी, घोड़े का क्या होगा, घोड़ा। या देखिए मालिन, जो फूलों के बगीचे में काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, जो स्त्री उसे हम कहेंगे मालिन। और वही जगह जो पुरुष होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, माली। ये देखिए दर्जी, जानते हो ना आप लोगों की कपड़े कौन सिल के देता है, दर्जी। और वो भी जो अगर पुरुष होगा, लेकिन अगर महिला होगी जो कपड़े सिल के देती होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, दर्जिन। ये देखिए इसे क्या कहते हैं, टोकरी। और टोकरी का लिंग अगर हम चेंज करने जाएंगे, बदलने जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टोकरा, टोकरी का टोकरा। आप लोगों को लिंग समझ आ गई होगी बच्चों। अब हम बढ़ते अपने अगले अभ्यास की ओर। देखिए ध्यान से, हमारा अभ्यास का नाम है किसने कहा किससे कहा। यहाँ पे कुछ वाक्य है, वो वाक्य आप लोग याद कीजिए, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा, तो वो वाक्य को किसने कहा और किससे कहा। तो देखिए हमारा पहला वाक्य, क्या स्वाद। ये वाक्य किसने कहा, क्या स्वाद। किसने कहा बच्चों, किसने कहा, भीखू भाई ने। ये चित्र में देख रहे हो, किसकी चित्र है ये, भीखू भाई की। वो नारियल खाने की जब उसे इच्छा हुई थी ना, तो वो सोच के खुश हो गया, क्या स्वाद होगा। तो ये वाक्य जो है किसने कहा था बच्चों, भीखू भाई ने। किससे कहा था, वो किसे कह रहे थे कि मुझे आज नारियल खाने का मन हो रहा है, किससे कहा था, सही, लाबूबेन से, अपनी पत्नी से। उसकी पत्नी का नाम क्या था, लाबूबेन। अब देखते हैं अगला वाक्य, खाना है तो जाना है। जब नारियल के बारे में पूछता है और घर में नारियल नहीं है, तो खाना है तो जाना है, ये वाक्य किसने कहा और किससे। देखिए किसने कहा, लाबूबेन ने कहा, भीखू भाई की जो पत्नी है उन्होंने किससे कहा, अपने पति से। तो यहाँ क्या कहेंगे, किसने कहा में, लाबूबेन ने कहा, और किससे कहा, भीखू भाई से कहा। अगर खाना है तो जाना है। ये देखिए, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। ध्यान दीजिए पाठ में, ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए, किसने कहा बच्चों। जब भीखू भाई नारियल लेने बाजार गए थे ना, तो बाजार में जब वो दाम सुने 2 रुपए, तो वो आगे नहीं चाहिए इतने दाम में मुझे, तो वो बोलता है, तब जो है यहाँ से थोड़ी दूर मंडी है। ये वाक्य भीखू भाई को किसने कहा था बच्चों, किसने कहा था, नारियल वाले ने, क्योंकि वो नारियल वाले से ही नारियल का दाम पूछ रहा था ना। तो किसने कहा था, नारियल वाले ने। किससे कहा था बच्चों, भीखू भाई से, क्योंकि भीखू भाई कहाँ गए थे, नारियल लेने। कहाँ गए थे सबसे पहले, वो बाजार। बाजार में जब उसे दाम बहुत ज्यादा लगी, तो नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए।
किसने कहा था बच्चों? नारियल वाले ने। किससे कहा था? भीखू भाई से। अब देखते हैं हम अपना अगला वाक्य। सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ। सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ। ये वाक्य सोचिए हम पाठ में कहाँ पढ़े थे और किसने कहा था, किससे कहा था। पुनः एक बार देखते हैं। सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ। किसने कहा था बच्चों? नाव वाले ने। जब नाव वाले के पास भी भीखू भाई को नारियल क्या लगा था? महंगा लगा था, क्योंकि भीखू भाई कैसे थे बच्चों? कंजूस थे। तो नाव वाले ने कहा सस्ते में चाहिए तो बगीचे में चले जाओ। किससे कहा था बच्चों? भीखू भाई से। ये वाक्य नारियल वाले ने भीखू भाई से कहा था। देखिए बच्चों, हमारा अगला अभ्यास है वाक्य पूरे करो। यहाँ पे खाली जगह है, मैंने जो है आप लोगों की सुविधा के लिए पहले से ही उसे भर दिया है, ठीक है। ये जगह खाली है, यहाँ आप लोगों को भरना है वाक्य। इन शब्दों को भरते भरते हमें ये वाक्य को पूरे करना है। पहला देखिए बच्चों, घर पे तो एक भी खाली जगह थी नहीं था। जब भीखू भाई को नारियल खाने का मन हुआ तो क्या करता है वो? अपनी पत्नी से कहता है कि घर में नारियल है। तो क्या कहती है वो? घर में तो नहीं है। क्या? नारियल। घर में तो एक भी, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? नारियल नहीं था। दूसरा देखिए, ये खाली जगह में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। जब भीखू भाई नारियल लेने के लिए कहाँ गए? बाजार। यहाँ क्या लिखेंगे हम? बाजार। बाजार में लोग क्या कर रहे थे? सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सभी को अपना अपना सामान क्या करना था? बेचना था। तो क्या यहाँ आएगा बच्चों? बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। दूसरा अगला वाक्य देखिए बच्चों, यहाँ खाली है कि ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी बाजार में। किनकी आवाजें गूंज रही थी बच्चों? बाजार में सामान बेचने कौन जाता है, कौन लेने जाता है? व्यापारी लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्यापारियों की। बहुत सारे है ना, एक होने से व्यापारी बोलेंगे, एक से ज्यादा हो गए, अधिक हो गए एक से, तो हम क्या बोलेंगे उसे? व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। देखिए हमारा अगला वाक्य, 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उसमें ये खाली जगह आ गई। जैसे ही उसे दाम पता हुआ कि बगीचे में जाओ, इससे आगे जाओगे तो आपको और 25 पैसे कम में मिलेगी, तो वो 25 पैसे बचाने के चक्कर में उसके अंदर क्या आ गई? 25 पैसे तो बच जाएंगे मेरे, ये सुनते ही उसके बदन में क्या आ गई बच्चों? फुर्ती। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फुर्ती। 25 पैसे बचाने के ख्याल से उसमें फुर्ती आ गई। अब देखिए हमारा अगला वाक्य, भीखू भाई का सिर खाली जगह गया। क्यों? यहाँ क्या आएगा? चकरा गया। भीखू भाई का सिर चकरा गया। ये वाक्य में ध्यान दीजिए, कब चकराया था उसका सिर? जब वो पेड़ से लटके हुए थे घोड़े वाला और ऊंट वाले के साथ। तो एक कहता है 200 दूंगा और एक कहता है 100 रुपए। कुल मिलाकर कितना हो जाता है बच्चों? 300 रुपए। तो क्या है, वो जैसे ही 300 रुपए के बारे में कल्पना करता है, सोचता है बाबा मुझे 300 रुपए भी मिलेंगे, नारियल भी मुफ्त में मिलेगी। वो सुन के क्या होता है? उसका दिमाग चकरा जाता है, उसका सर घूमने लगता है, सर चकरा जाता है। देखिए बच्चों हमारा अगला अभ्यास, प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द का लिंग अन्य शब्दों से अलग है। ये जो पंक्ति दी गई है, हर पंक्ति में एक शब्द का लिंग। अभी हम लोगों ने कहा पढ़ा था ना, लिंग बदलो, मालिक का मालकिन, घोड़ा का घोड़ी। उसी तरह यहाँ पे ये जो पंक्ति में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उसमें से किसी एक का लिंग जो है अलग है, उसे दी गई जगह में लिखिए। ये जो खाली जगह है ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए भरा हुआ है, लेकिन पुस्तक में ये खाली जगह है। तो हमें क्या करना है, उस पंक्ति से वो जो लिंग जो है अन्य शब्दों से अलग है उसे हमें निकालना है। हमें देखना है पहले, सबसे पहले क्या है देखते हैं हम।
माता, शिक्षिका, नौकरानी, ये सब क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग वाले शब्द है। माता बोलने से स्त्रीलिंग हो गया, शिक्षिका भी स्त्रीलिंग हो गया, नौकरानी भी स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पे क्या है? पिता। ये जो है शब्द क्या हो गया? इन शब्दों से अलग है। अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, पिता जो है अलग है, अन्य लिंग का हो गया वो। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग वाले शब्द और ये पुल्लिंग वाला। अगला देखिए, मोरनी, शेरनी, हिरन, बकरी। मोरनी बोले से बच्चों स्त्रीलिंग वाली शब्द, शेरनी बोले से स्त्रीलिंग वाली शब्द, हिरन स्त्रीलिंग है, हिरन का क्या होगा? हिरन पुल्लिंग वाली शब्द है, उसका क्या होगा? हिरनी। और ये बकरी, बकरी भी स्त्रीलिंग वाली शब्द है। तो इसमें से हमारा अलग शब्द कौन सा हो गया बच्चों? पुल्लिंग वाला हिरण। मोरनी स्त्रीलिंग वाली शब्द, शेरनी स्त्रीलिंग वाली शब्द, बकरी स्त्रीलिंग वाली। तो इसमें जो है हिरण को हम अलग कर देंगे। अगला देखिए, लड़की, ये स्त्रीलिंग वाली शब्द। बेटा पुल्लिंग वाला शब्द। श्रीमती स्त्रीलिंग वाली शब्द। सेठानी स्त्रीलिंग वाली। इनमें से एक पुल्लिंग वाला शब्द है, कौन सा है बच्चों? बेटा। इसे हम यहाँ अलग कर देंगे। अब देखते हैं अगला हमारा, बकरी स्त्रीलिंग वाली हो गई, गधा पुल्लिंग वाला शब्द, हाथी पुल्लिंग, बाघ पुल्लिंग। तो इसमें कौन सी शब्द अलग हो गई? ये है बकरी, ये स्त्रीलिंग वाली शब्द है, बाकी शब्द बाकी जो है सब पुल्लिंग वाले शब्द है। तो ये जो है इसके समूह से अलग है, हम बकरी को यहाँ रख देंगे। लेखक, पता है ना, पुल्लिंग वाली शब्द। बुढ़िया स्त्रीलिंग वाली। गायिका स्त्रीलिंग वाली शब्द। अध्यापिका स्त्रीलिंग वाली। तो इसमें से लेखक एक अकेला शब्द है जो पुल्लिंग वाला है, ये बाकी सब स्त्रीलिंग वाले शब्द है। तो ये इस समूह से अलग है, हम इसे यहाँ लिख देंगे। तो बच्चों समझ आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं अपनी अगली अभ्यास को, तुम्हारी समझ। आप लोगों ने पाठ पढ़ा, आपको उस पाठ में से क्या क्या समझ आया? अब हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? हम लोगों ने पाठ में पढ़ा ना, भीखू भाई जहां भी जाते थे जो दाम वो नारियल का बोलते थे उससे वो कम ही देना चाहते थे, कभी भी वो दाम देना ही नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों बच्चों? हम देखते हैं उत्तर में। भीखू भाई कंजूस थे। कैसे थे भीखू भाई? कंजूस थे, इसलिए हर बार कम दाम देना चाहते थे। समझ आ गया ना? भीखू भाई कैसे थे बच्चों? कंजूस थे, इसीलिए वो हर बार कम दाम देना चाहते थे। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? नारियल तो नारियल है लेकिन हर जगह उसका दाम क्यों बदलता गया? हम देखते हैं उत्तर में बच्चों। नारियल के बगीचे में नारियल पैदा किया जाता है। नारियल कहाँ उगाई जाती है? नारियल के बगीचे। तो सबसे कम दाम कहाँ होगा बच्चों? बगीचे में होगा। उसके बाद देखिए, इसलिए वहाँ नारियल सबसे कम दाम में मिलता है। नारियल जो है बगीचे में पैदा की जाती है, इसीलिए नारियल का दाम सबसे कम बगीचे में होता है। बगीचे से लेकर बाजार पहुंचने तक नारियल जितनी भी जगहों से गुजरता है, बगीचे से लेकर बाजार तक, बगीचे से लेकर उसे बाजार तक लाने में क्या होता है? नारियल जितनी भी जगहों से गुजरता है वो नारियल को लेके सबसे पहले बाजार पहुंचने से पहले कहाँ जाएंगे? वो नाव से लेके आएगा मंडी में, मंडी से लेके आएगा बाजार में ना। तो ये जहां जहां जाएगा उसका दाम वहां वहां बदलता जाता है, इसकी कीमत बढ़ती जाती है। बगीचे से लेकर बाजार पहुंचने तक नारियल जितनी भी जगहों से गुजरता है इसकी कीमत बढ़ती जाती है। बाजार पहुंचकर इसकी कीमत सबसे अधिक हो जाती है। बच्चों नारियल बगीचे में सबसे सस्ता है और बाजार पहुंचने तक वो जहां जहां से जाएगा, मतलब क्या है, अपने आप चल के नहीं जाएगा, लोग उसे
नाव से लेके जाएंगे, फिर मंडी में रखेंगे, मंडी से सामान लेके जाके बाजार में बेचते हैं, तो सब जगह उसका जो है कीमत बदलता जाता है। देखिए अगला प्रश्न, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? प्रश्न क्या है बच्चों, ए पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा, क्या सच में भीखू भाई को नारियल मुफ्त में मिला? अगर मिला तो क्यों, अगर नहीं मिला तो क्यों? अब हमें क्यों का उत्तर देना है। क्या नहीं, सबसे पहले तो ये है कि भीखू भाई को नारियल मुफ्त में मिला ही नहीं, क्योंकि भीखू भाई को वो नारियल लेने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ा, वो थक गए, उसकी चप्पलें घंस गई, लास्ट में जाके अंत में जाके क्या होता है, उसे नारियल मुफ्त में मिलती है, वो पेड़ से लटक जाते, गिर जाते और उसके सिर पे नारियल फूट जाती है, गिर जाती है, तो नारियल तो उसे मुफ्त में मिला ही नहीं। पहले हम क्या लिखेंगे उत्तर में, नहीं, उसे नारियल सच में मुफ्त में नहीं मिला। भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला, नारियल के लिए उन्हें कड़ी धूप में दूर तक पैदल चलना पड़ा। वो नारियल को पाने के लिए, लेने के लिए बहुत तेज धूप थी, उसमें काफी दूर तक उसे क्या है, पैदल चलना पड़ा। अंत में तो वह नारियल के पेड़ से भी गिर पड़े। अंत में जाके क्या होता है, वो नारियल तोड़ने पेड़ में चढ़ जाते हैं, वहां से भी वो गिर पड़ते हैं और उनके सिर पर एक बड़ा नारियल आ फूटा। एक लास्ट में क्या होता है, अंत में क्या होता है, एक नारियल उसके सर पे आके गिर जाता है। तो भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में नहीं मिला। अब देखते हैं बच्चों हम अगला प्रश्न, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? हम लोगों ने पाठ में पढ़ा ना कि वो नारियल के बारे में सोचते सोचते क्या करते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं, बूढ़े बरगद। तो वो पेड़ को बूढ़ा क्यों कहा गया? अब हम देखते हैं इसका उत्तर। बरगद का पेड़ बहुत साल पुराना होगा। कोई पेड़ बहुत साल अगर पुराना हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बूढ़ा। और देखिए यह काफी घना व छायादार होगा। जैसे जैसे बड़ा होता है एकदम फैलता जाता है, काफी घना हो जाता है, उसके नीचे छाई भी मिलती है। अच्छा, और इसकी जटाएं लटक रही होगी। बरगद के जो पेड़ होते हैं बच्चे, उसमें ऐसे लंबे लंबे बेल के जैसे ऐसे लटके होते हैं, तो वो जो है उसको क्या कहते हैं, जटाएं पेड़ का। तो पेड़ जो है बरगद का काफी बड़ा होगा, छायादार होगा और उसमें क्या होगी, इसकी जटाएं लटक रही होगी, इसलिए इसे बूढ़ा कहा गया है। इसलिए इस बरगद के वृक्ष को, पेड़ को क्या कहा गया बच्चों, बूढ़ा। अब देखिए बच्चों हमारा अगला अभ्यास, भीखू भाई ऐसे थे। आप लोगों ने पाठ में पढ़ा कि भीखू भाई कैसे थे, अब आप लोगों को बताना है कि भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप लोगों ने भीखू भाई के बारे में काफी कुछ जाना होगा ना। अब देखिए भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। अब आप लोगों को भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बतानी है कि आप लोगों ने भीखू भाई को कैसे समझा, आप क्या जानते हो। हम देखते हैं पहले, पहला क्या है, उन्हें खाने पीने का शौक था। भीखू भाई को क्या हुआ था बच्चों, नारियल कसी भी और शक्कर मिला के खाने का मन हुआ, और इसी नारियल खाने के लिए उन्होंने कितना सफर, कितना दूर तक वो पैदल गए, इसे क्या पता चलता है कि उसे खाने पीने का शौक था। दूसरा देखिए, वे बहुत कंजूस थे। भीखू भाई कैसे थे बच्चों, बहुत ही कंजूस थे। जहां भी नारियल का दाम 2 रुपए कहा तो कहा कि हम 1.5 में देंगे, 1.50 रुपए में देंगे। जहाँ 1.50 रुपए आए वहां 1 रुपए में कहा, जहाँ 1 रुपए आए वहां वो 25 पैसे में आ गए। तो क्या होता है बच्चों, इससे जाहिर होता है, इससे पता चलता है ना कि भीखू भाई कैसे थे, एक नंबर के कंजूस थे। तो हम क्या कहेंगे भीखू भाई को, वे बहुत कंजूस थे। अब देखिए, उन्हें बात बनाना खूब आता था। वो हर बार हर एक से कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, लास्ट में अंत में क्या होता था, उस
उसके ऊपर दया करके वो लोग जो है उसको आगे का रास्ता बता देते थे। मंडी का रास्ता मंडी वाले बता दिए, जाके आप जो है घाट में ले लो, बंदरगाह में ले लो, वहां से जो है बगीचे में भेज दिए। तो भीखू भाई क्या करता था, हर बार बात बनाता था। उन्हें नारियल पसंद था, पाठ में तो नारियल के बारे में ही लिखा, भीखू भाई को नारियल खाने का ही मन हुआ था, शक्कर मिला के करके ना, तो उन्हें नारियल पसंद था। इसे क्या मालूम होता है हम लोगों की, उसको नारियल बहुत पसंद था। मैं लालची भी थे, अंत में क्या मालूम हम लोगों को, जब वो पेड़ में नारियल पकड़ के लटक गए ना बच्चों, उसके नीचे ऊंट वाला, ऊंट वाले के नीचे घोड़े वाला, तीन लोग उसके नीचे लटके हुए थे। जैसे ही घोड़े वाला बोलता है मैं आपको पैसे दूंगा, ऊंट वाला भी बोलता है मैं आपको पैसे दूंगा, दोनों का पैसा जब वो जोड़ता है तो 300 रुपए, सुन के वो लालच में वाह ऐसे हाथ फैलाता है, इतने पैसे मिलेगा क्या होता है, सीधे नीचे आ जाता है। कि भीखू भाई लालची भी था, वे लालची भी थे, ये चीज हम लोगों ने पाठ पढ़कर जाना। अब यहाँ देखिए बच्चों, पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भीखू भाई कहाँ जाते हैं बच्चों, मंडी। मंडी क्या होती है, ये देखिए चित्र में, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। ये मंडी का एक चित्र है, क्या है यहाँ पे, बहुत सारे सामान होती है। मैंने कहा था ना, आप लोगों को बताया था ना कि बहुत सामान यहाँ पे क्या करते हैं, लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, यहाँ से सामान खरीद के फिर वो बाजार में बेचते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सामान जो है बिकता है। ये है मंडी का दृश्य, और मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल का मतलब हम लोगों ने पढ़ा ना बच्चों, बहुत शोर शराबा होता है, जहाँ पे चिल्लाते हैं ना मंडी में, भैया आओ इधर ले लो, मेरे पास आओ, कोई बोलता है भैया ये भैया इधर आ जाओ, इसकी दाम कम है हमारे पास, कोई वहां से चिल्लाता है कि नहीं यहाँ पे कम है, क्योंकि उन्हें अपना सारा सामान बेचना है व्यापारियों को, और व्यापारी को भी दो पैसे जहाँ पे कम मिलेगी वहीं जाएगा। तो मंडी में क्या होती है बच्चों, बहुत भीड़ होती है और बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, लोग क्या करते हैं वहां पे आके सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो ये चित्र देखा आप लोगों ने मंडी का, ऐसे जहाँ पे बहुत सारी मात्रा में बहुत कुछ बिकता है वो जगह को हम क्या कहते हैं, मंडी। अब देखिए मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा, आप लोगों ने चित्र में देखा कि बहुत तरह की चीज, सब्जी दाल सब कुछ बिकता है वहां पे। तो देखिए मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा, आप लोग सोचिए बताइए क्या क्या होगा। देखिए उत्तर में देखिए, मंडी में तरह तरह की सब्जियां व फल बिक रहे होंगे। देखिए यहाँ चित्र में तरह तरह के फल है, सब्जियां हैं, ठीक है, ये देखिए फल ही फल, अनेक प्रकार की सब्जियां और फल बिक रहे होंगे। जैसे कि क्या क्या, आलू जानते हो ना आप, आलू खाते होंगे, टमाटर पता है ना, टमाटर लाल लाल टमाटर, ये देखिए आलू, गोभी देखिए गोभी, पत्ता गोभी, प्याज ये भरा हुआ है प्याज, अनार अनार ये देखिए अनार, आम आम देखिए, केला केला भरा हुआ, तरबूज, इस तरह के अनेक फल सब्जियां कहाँ पे बिकती है बच्चों, मंडी में। तो मंडी में तरह तरह की सब्जियां व फल बिक रहे होंगे, जैसे कि यहाँ चित्र में भी दिया है और यहाँ पे नाम भी दिया है, आलू टमाटर गोभी प्याज अनार आम केला तरबूज। मंडी में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा ना बच्चों, मंडी में आलू ले लो, बटाटा लो, केला, ये जो भी सामान वो बेचने के लिए लाते हैं ना बच्चों, उसका नाम लेके जोर जोर से वो चिल्लाते हैं, तो बहुत तरह की आवाजें आपको सुनाई देती है। जैसे ताजा टमाटर 20 रुपया, क्या चिल्लाते हैं, ताजा टमाटर 20 रुपया, ऐसे चिल्लाते। तो मंडी में और कैसी आवाजें सुनाई देती है, मंडी में सिर्फ टमाटर तो नहीं बिकता ना बच्चों, हर तरह की सब्जी बिकती है, तो लोग क्या क्या बोल के सामान को बेचते हैं आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पके हुए आम, हम लोगों ने दो उदाहरण रखा है यहाँ पे,
पके आम को कैसे बेचेंगे? पके मीठे आम ले लो 50 में 2 किलो। क्या करेंगे? आम रखा है, चिल्ला रहा है, पके मीठे आम ले लो 50 में 2 किलो, पके मीठे आम ले लो 50 में 2 किलो। ऐसे जोर जोर से मंडी में लोग चिल्लाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, केला, केले ले लो 30 में 2 किलो। चिल्लाएगा केले वाला, केले ले लो 30 में 2 किलो, 30 में 2 किलो। मंडी में लोग ऐसे ही चिल्लाते हैं ताकि व्यापारी लोग वो सुन के, उसका दाम, उसका मोल सुन के उनके पास आए और उनका सामान खरीद कर ले जाए। ऐसे ही मंडी में बहुत जोर से चिल्लाते हैं लोग, इसी को हम क्या कहते हैं, कोलाहल मची रहती है। बच्चों अभी हम लोगों ने मुफ्त ही मुफ्त का ये अभ्यास कार्य किया। मैं आशा करती हूँ एवं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को यह भली भांति समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ बच्चों। धन्यवाद बच्चों।